नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पंजीकृत करीब 4,74,00,000 किसानों को अगले महीने 2,000 रुपए की दूसरी किश्त मिलने वाली है। इस राशि को भी सीधे बैंक खातों में ही डाला जाएगा। बीते 10 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इस योजना के तहत 4,74,00,000 छोटे और सीमांत किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें 2,74,00,000 किसानों को पहली किश्त दी जा चुकी है। बाकी बचे किसानों को इस महीने के अंत तक पहली किश्त मिल जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को 10 मार्च से पहले पंजीकृत लाभार्थियों के खातों में पहली और दूसरी किश्त डालने की अनुमति दे दी है। कहते हैं उम्र किसी तजुर्बे की मोहताज नहीं होती है, और इसको सच कर दिखाया है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले 20 साल के नारायण सिंह ने, जिन्होंने जुगाड़ू खेती अपनाकर महंगाई के इस दौर में बिना किसी सहारे के खुद को सशक्त बनाया है। साथ ही अब तक वो अपने यूट्यूब चैनल आदर्श किसान सेंटर के सहारे खुद से लगभग 4,00,000 किसानों को जोड़ चुके हैं। हरियाणा के पानीपत में बीते दिन कृषि विज्ञान केंद्र ऊंचा में जिला स्तरीय किसान मेला लगाया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों ने फसल अवशेष प्रबंधन करने के साथ साथ खेती की नवीनतम तकनीकों की जानकारी किसानों को दी। साथ ही ऑर्गेनिक उत्पाद केंचुआ खाद और बीज के 15 स्टॉल लगाए गए, जिसमें रोटावेटर सहित फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। मेले का शीर्षक संरक्षित खेती, विविधता पूर्वक खेती, लाभकारी खेती था। पिछले कुछ समय में रोजगार के अन्य क्षेत्रों में सुधार के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन बात अगर खेती के ग्राफ की करें तो इसमें उतना सुधार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। यही वजह है कि साल 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटा है। ऐसा मानना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित चंद्र भानु गुप्ता का, जो कि कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय BKT में प्राचार्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर किसानों को अपनी आय दोगुनी करनी है तो उन्हें गेहूं चावल उगाने के साथ साथ और भी विकल्प तलाशने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इस बार भावांतर योजना शुरू नहीं की है। इससे सरसों की उपज करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए तक का घाटा हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इस योजना के संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, और राज्य में आचार संहिता लगने के चलते इस आदेश को अब तक जारी करना भी नामुमकिन बन गया है। ऐसे में किसानों को मंडी में 3,000 से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर सरसों बेचनी पड़ रही है, जबकि पिछले साल इसी भाव पर बेचने के बाद भी उन्हें भावांतर योजना के तहत 4,200 रुपए के भाव मिले थे और बाकी राशि सीधे खाते में आ गई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कल्पकुंतला कविता ने 1,000 किसानों से अपील की है कि वो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा दाखिल करें। उन्होंने कहा है कि इससे दोनों नेताओं को देश में किसानों की दुर्दशा के बारे में पता चलेगा, लेकिन उन पर उनका ये दाव इस तरह उल्टा पड़ गया कि कल्पकुंतला कविता की निजामाबाद वाली सीट से ही लगभग 250 किसानों ने पर्चा भर दिया है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत जरूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है, और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, और जो पार्टी आपको सही लगे, शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।